हाँ जी, आप अपने बारे में बताएं। नमस्कार जी, मेरा नाम सत्यनारायण शर्मा है। मैं बेसिकली नागौर जिले में चौमन सिटी से हूँ और मेरा जॉब है दिल्ली के अंदर। मैंने दिल्ली के अंदर सफदरजंग हॉस्पिटल के अंदर दिखाया तो न्यूरोलॉजिस्ट के बाद में मुझे न्यूरो सर्जन को ट्रांसफ़र किया गया। तो न्यूरो सर्जन ने मुझे बताया कि आपका ऑपरेशन करना पड़ेगा। क्या क्या प्रॉब्लम बताई? प्रॉब्लम ये है मेरे कि गर्दन के अंदर पहले दर्द हुआ था 15 दिन। हाँ। उसके बाद में वो दर्द शोल्डर में आ गया और शोल्डर में आने के बाद में यहाँ से एल्बो तक, हाँ, कोने तक दर्द है। अब ये हो गया कम से कम 7 दिन से कि ना, तो ये हाथ यहाँ से ऊपर नहीं उठ पा रहा। अच्छा, ऊपर नहीं जा रहा, काम नहीं कर रहा है ये, यहाँ से ऊपर नहीं जा पा रहा है। हाँ। और मैं ठीक ढंग से इसके बाद में जैसे मैं कंघा नहीं कर पा रहा हूँ, कंघे के लिए मेरा हाथ जैसे बेसिकली जिस तरह से हम डायरेक्शन देते हैं उस डायरेक्शन में नहीं जा रहा। तो ये आपके ना MRI अपन जैसे क्या देखते हैं। आपका नाम सत्यनारायण शर्मा? हाँ जी, मेरा नाम सत्यनारायण शर्मा है। और ये आपकी सर्वाइकल C3-4, C4-5 और C5-6 और C6-7, इनमें आपके ये डिस्क बल्ज है। लेकिन आपके ज़्यादा प्रॉब्लम C4-5 और C5-6 में है। मैं अब इलाज के लिए सीकर के अंदर डॉक्टर योगेश शर्मा जी का हॉस्पिटल है, डॉक्टर योगेश शर्मा कायाकल्प नाम से, उसके अंदर आया हूँ। ये मैंने यूट्यूब पर इनके वीडियो देखे थे और नेट पे भी काफ़ी सर्च किया तो मुझे पता चला कि ऐसे डॉक्टर हैं जो बिना सर्जरी के रीढ़ की हड्डी का अच्छी तरह से इलाज करते हैं। गर्दन के अंदर जो रीढ़ की हड्डी तंत्र जा रही है उसी का प्रॉब्लम है। तो मैंने फिर डॉक्टर योगेश शर्मा जी से संपर्क किया। ये सत्यनारायण जी शर्मा है जो नागौर के कुचामन के रहने वाले हैं और दिल्ली में काम करते हैं। इन्हें C4-5 C5-6 स्लिप डिस्क के कारण इनके सर्वाइकल पेन था जो बाद में सर्वाइकल से बढ़कर कंधे और हाथ तक पहुंच गया। जब यह डॉक्टर योगेश कायाकल्प हॉस्पिटल में अपने इलाज के लिए आए तब आयुर्वेदिक न्यूरो पंचकर्म विशेषज्ञ डॉक्टर योगेश शर्मा ने इनकी MRI रिपोर्ट देखने के बाद आयुर्वेदिक न्यूरो पंचकर्म थेरेपी से इनका इलाज किया। हम बस दिखावा नहीं करते, हम सफल इलाज के रिजल्ट में विश्वास करते हैं। आइए जानते हैं डॉक्टर योगेश कायाकल्प हॉस्पिटल सीकर में इलाज के बाद अब कैसा है सत्यनारायण जी के सर्वाइकल का दर्द। कैसा है दर्द? अब ठीक है, मैं जब शुरू में आया था तब मेरा हाथ नहीं उठ रहा था यहाँ से ऊपर, अब मेरा बिल्कुल उठाओ देखे हाथ पूरा ऊपर तक, दोनों हाथ उठाओ आराम से, दोनों हाथ मेरे ऊपर तक जा रहे हैं, आराम से जा रहे हैं। किसी प्रकार का कोई दर्द नहीं? अब किसी प्रकार का दर्द नहीं है। आपके गर्दन में, कंधे में, हाथ में? ना तो गर्दन में ना कंधे में। ये डॉक्टर साहब बहुत अच्छे से इलाज करते हैं, यहाँ तक कि मेरे को ऑपरेशन बता दिया गया था तो मैं एकदम फ्रस्ट्रेशन में आ गया था कि ऑपरेशन करवाने के बाद तो मेरी ज़िंदगी पता नहीं कैसी होगी। मेरा सुबह और शाम दोनों टाइम न्यूरो पंचकर्म थेरेपी से यहाँ इलाज होता है। 1 घंटा सुबह थेरेपी होती है और शाम को भी 1 घंटे थेरेपी होती है। दोपहर में 15-20 मिनट के लिए तेल से भी शिकाव होता है, वो गिरवावस्थी, हाँ गिरवावस्थी जिसे कहते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा फ़ायदेमंद रहा मेरे लिए, जहाँ मेरा हाथ काम नहीं कर रहा था आज मैं एकदम सही से मेरा पूरा हाथ काम कर रहा है
और मैं ये चाहता हूँ कि अगर कोई भी जिसको ऑपरेशन बता दिया गया, अगर रीढ़ की हड्डी से संबंधित या जोड़ों से संबंधित या सर्वाइकल या सर्वाइकल वगैरह या सीटी वगैरह जो भी है ऑपरेशन बता दिया, अगर आप ऑपरेशन करवाना चाहते हैं उससे पहले एक बार आप डॉक्टर साहब से आके मिलें। थैंक यू डॉक्टर साहब।